शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिवजी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरु जी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिवजी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है, भगवान की शरणागति का फल क्या होता है? महाराज एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो, 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो,